ये हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रेन पंप है, ठीक है। ये 220 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट होता है। इसको अभी हम कोल्ड टेस्ट करेंगे। कोल्ड टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करना होगा। मीटर को हम सबसे पहले रेजिस्टेंस मोड पे रखेंगे और इन दो पिनों पे रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। तो आप देखेंगे ये मीटर में कितना शो कर रहा है, 180 ओम। अगर ये रेजिस्टेंस आ रही है मतलब मोटर ड्रेन पंप ओके है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं आती, 1 आता तो ओपन होता, 0 आता तो शॉर्ट होता। इसको लाइव चेक करने के लिए आप यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, तब भी ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो इसका इलेक्ट्रिकल पंप है। मैकेनिकल में क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई भी डेबरेज जैसे क्वायन आल्पिन कुछ फंस जाता है तो पानी यहाँ से बाहर भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको इसका भी साफ करना होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन के फ्रंट पर लगा होता है, ठीक है। और 15 दिन में इसको कस्टमर को भी बताना होता है, 15 दिन में एक बार इसको निकाल के चेक करना होता है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का हीटर है जो मेन ड्रम में लगता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पिन और इस पिन पे चेक करेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अभी हम इसको रेजिस्टेंस मोड पे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे, एक इस पिन पे और एक इस पिन पे। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू आप देख रहे हैं 39 ओम आ रही है। अगर ये रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है तो हीटर ओके। दूसरा, आप इसको यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये हीटर गर्म होने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, सेंसर आप ये देख रहे हैं, ये सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। इसकी रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे, तो इसको आप किलो ओम मोड पे चेक कीजिए, क्योंकि सेंसर सारे किलो ओम पे चेक होते हैं। अभी मैंने इसको किलो ओम मोड पे चेक कर दिया, अब मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा। तो आप देख रहे हैं 4.3 ओम दिखा रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो ये सेंसर ओके है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं आता तो ओपन होता, अगर जीरो होता तो शॉर्ट होता, ठीक है। तो सेंसर भी ओके है और हीटर भी ओके। ये हमारी BLDC फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की मोटर है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन, ये सिर्फ ओनली 2 लॉक्स पे टिकी होती है और 1 लॉक ये होता है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर 3 टर्मिनल शो कर रहे हैं। इसको आप रेजिस्टेंस सेट करोगे, तो इसको आप रेजिस्टेंस मोड पे सेट करोगे हीटर को। अभी हम चेक करेंगे 3 पिन पे इसकी रेजिस्टेंस। बारह ओम तीनों पे सेम आना चाहिए। अगर इन तीनों पे सेम आ रहा है तो मोटर की वाइंडिंग ओके है, डन।